देखो, रोलिंग मोशन एंड फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो रोलिंग मोशन है इस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड प्योर रोटेशन मोशन। ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन के कॉम्बिनेशन को रोलिंग बोलते हैं। मैं इसको कुछ ऐसे समझाना चाहता हूं, ज्यादा क्लैरिटी होगी। देखो, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है जो क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। ट्रांसलेट ट्रांसलेट का मतलब कि यहां पर सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है तो इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट की भी और इस पॉइंट की भी, हर पॉइंट की वेलोसिटी विल रिमेन वी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। पहला पॉइंट क्लियर है। यही बॉडी अगर क्या करे, प्योर रोटेट करे, प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन के अंदर सपोज ये रोटेट कर रही है विद ओमेगा, ओमेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, जीरो, क्योंकि खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है प्योर रोटेशन, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट भी रहेगा। और अगर इसका रेडियस आर है तो इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा, और इसकी आर ओमेगा। तो अगर खड़ी खड़ी बॉडी रोटेट कर रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होगी, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा। क्लियर है यहां तक? और इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर मैं मिला दूं तो बॉडी क्या करेगी, अब रोल करेगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बॉडी क्या करेगी, रोल करेगी। अब मेरा क्वेश्चन है, जब बॉडी रोल करेगी, रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो ये बताया जाए कि इस पॉइंट की वेलोसिटी रोलिंग में क्या होगी। तो अब कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे इसका और इसका, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां पर नेट वेलोसिटी क्या आएगी, वी सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा। ठीक, अगर मैं कहूंगा इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो ट्रांसलेशन की वजह से क्या है, वी सेंटर ऑफ मास, रोटेशन की वजह से आर ओमेगा। क्लियर है? अगर मैं कहूं इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो ट्रांसलेशन की वजह से वी सेंटर ऑफ मास, रोटेशन की आर, तो वेक्टर सम आ जाएगा यहां से। और ऐसे इस केस में भी वी सेंटर ऑफ मास एंड आर ओमेगा का वेक्टर सम आ जाएगा कुछ ऐसे। और सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ मास वी सेंटर ऑफ मास एंड जीरो, तो सेंटर ऑफ मास विल मूव विद वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो रोलिंग मोशन में अगर कोई वेलोसिटी पूछे तो इतना आसान नहीं है कि आप सीधा बोल दोगे 10 या 20। आपको सोचना पड़ेगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आंसर आएगा, सीधा आंसर नहीं आने वाला। क्या ये पॉइंट नंबर वन क्लियर है? पॉइंट नंबर टू समझो, इसके शॉर्टकट जरूर करेंगे अभी। पॉइंट नंबर टू में जब कोई बॉडी प्योर रोल करती है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, आर ओमेगा। तो हम भी तो कौन सा केस कर रहे हैं, प्योर रोलिंग का, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्या पुट करेंगे, आर ओमेगा। क्या स्टेप क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा करूं, ये बॉडी क्योंकि रोल कर रही है तो मैं काम करता हूं इस आर ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, वी सेंटर ऑफ मास। उसी तरीके से इस आर ओमेगा की जगह, इस आर ओमेगा की जगह, इस आर ओमेगा की जगह वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास। क्या स्टेप क्लियर है? क्योंकि आर ओमेगा किसके इक्वल होता है, वी सेंटर ऑफ मास। तो क्या स्टेप क्लियर है? तो रोलिंग के अंदर जो वेलोसिटीज आएंगी, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2 × v सेंटर ऑफ मास। बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि v सेंटर ऑफ मास और v सेंटर ऑफ मास आपस में क्या कर गया, कैंसिल। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो रोलिंग की खास बात यह है कि जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट होता है रोलिंग में, वो हमेशा कौन कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है, 0। ठीक है यहां तक? तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे सपोज एक बॉडी ट्रांसलेट कर रही है वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास, जो मैंने अभी सिखाया भी आपको, और बॉडी रोटेट भी कर रही है विद आर ओमेगा, आर ओमेगा, ये सिखाया मैंने अभी आपको। तो रोलिंग के अंदर क्या शॉर्टकट बना कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है तो यहां की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ट्वाइस। ये याद रखना है फॉर्मूला। रोलिंग के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, डबल सेंटर ऑफ मास से। बॉटम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। क्लियर है? इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वी सेंटर ऑफ मास
और वी सेंटर ऑफ मास का वेक्टर सम, और वेक्टर सम पता है क्या आएगा, रूट टू इंटू वी सेंटर ऑफ मास। ऐसे इसमें क्या होगा, वी सेंटर ऑफ मास और वी सेंटर ऑफ मास का वेक्टर सम क्या आएगा, इस तरफ रूट टू इंटू वी। तो ये शॉर्टकट काम आएंगे जब आप किसी क्वेश्चन को रूलिंग में सॉल्व करेंगे, और मेजरली क्वेश्चन इन पॉइंट्स पे आता है, जीरो और ट्वाइस। क्या ये स्टेप याद रहेगा यहां तक, ठीक है यहां तक? तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रूलिंग। टाइप्स ऑफ रूलिंग दो किस्म की है, रोल बॉडी रोल कर रही है, दो किस्म से रोल कर सकती है, टायर दो किस्म से रोल कर सकता है, एक प्योर रोलिंग और एक रोलिंग विद स्लाइडिंग। जब क्वेश्चन आए प्योर रोलिंग पे तो स्लाइडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, घिसट के नहीं जाएगी बॉडी, प्रॉपर टायर सड़क पे रोल करेगा, कोई स्किडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, रोलिंग होगी प्रॉपर। और जब बोला जाएगा इम्प्रॉपर रोलिंग है, तो रोलिंग प्रॉपर नहीं है या विद स्लाइडिंग है, तो टायर स्किड भी कर सकता है। या एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपकी गाड़ी का टायर मिट्टी में फंस गया और अब निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप रेस दबा रहे हो, जब रेस दबा रहे हो टायर बहुत तेजी से घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास उतनी तेजी से नहीं चल रहा, टायर तो बाहर निकल नहीं रहा, हल्का हल्का बाहर निकल रहा है, सेंटर ऑफ मास स्लो चल रहा है, लेकिन घूमने का जो आर ओमेगा है वो बहुत ज्यादा है। तो वी कैन नॉट से कि वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, वो इम्प्रॉपर रोलिंग है या रोलिंग विद स्लाइडिंग है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब हम एक काम करते हैं, हम पहले प्योर रोलिंग से स्टार्ट करते हैं। प्योर रोलिंग में जो अभी तक हमने किया, कोई स्लाइडिंग नहीं, कुछ नहीं, मैंने अभी आपको पूरा लेक्चर दिया उसमें ये सिखाया कि अगर प्योर रोलिंग है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर वी सेंटर ऑफ मास है तो लोएस्ट पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से वी सेंटर ऑफ मास है और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा है, और प्योर रोलिंग के अंदर वी सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है? जीरो क्यों होती है, मैंने और प्रॉपर समझाया इसमें। तो इसमें इन प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट, क्लियर है यहां तक? दूसरा, तो अगर लोअर मोस्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा, घिसट नहीं रहा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि हमने किया फ्रिक्शन में, काइनेटिक अपना रोल कब प्ले करती है, जब कोई बॉडी क्या करती है, घिसटती हुई जाती है, स्लाइड करती है, और अगर स्लाइड नहीं कर रही, घिसट नहीं रही, तो काइनेटिक नहीं हो सकती। तो क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है यहां पर, जीरो, तो बॉडी स्लाइड नहीं कर सकती, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगी इसमें, जीरो। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? लेकिन फ्रिक्शन तो नेसेसरी है ही रोलिंग के लिए, तो फिर कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले कर रही है, स्टैटिक, क्योंकि जब पार्टिकल रेस्ट पे है और फ्रिक्शन तो है, काइनेटिक तो हो नहीं सकती, तो कौन सी होगी, स्टैटिक। तो रूल नंबर वन, जब भी क्वेश्चन रोलिंग मोशन का आएगा प्योर रोलिंग में, काइनेटिक फ्रिक्शन कभी रोल प्ले नहीं करती, कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करती है, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। चाहे पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन काफी लोग ये सोचते हैं कि ये अजीब सी बात है, टायर रोल कर रहा है लेकिन लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, ऐसे कैसे, टायर तो खिसकता हुआ वहां चला गया, वेलोसिटी जीरो कैसे? इंस्टेंट पे देखना, बहुत स्मॉल इंस्टेंट पे, ऐसे इमेजिन करना, अगर ये टायर है, इमेजिन करें ये रेस्ट पे है, ये पेन इसका एक्सिस है, ये रेस्ट पे है, पूरा का पूरा टायर इसको एक्सिस मानते हुए ऐसे घूम रहा है, सारे पार्टिकल इसको एक्सिस मानते हुए ऐसे घूम रहे हैं, ये खुद किस पे है, पार्टिकल रेस्ट पे, इसके आसपास घूम रहे हैं, फिर ये शिफ्ट हो गया इधर आ गया, फिर एक नया पॉइंट आ गया, अब बाकी सारे पार्टिकल इसके अबाउट ऐसे घूम रहे हैं, तो इस तरीके से इमेजिन करना है, क्लियर है यहां तक? तो इसलिए बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या मानी जाती है, जीरो। आगे ये सारा वही चीज है कि अगर बॉडी प्योर रोलिंग है तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक, ठीक, और कुछ करना नहीं है इसमें। अब हम बात करेंगे रोलिंग विद स्लाइडिंग, यानी कि जिसमें प्योर रोलिंग नहीं है, जिस क्वेश्चन में प्योर रोलिंग नहीं है, मैं इसको ऐसे क्लासिफाई करूंगा। पहला केस, केस नंबर वन, कि अगर कोई बॉडी या तो प्योर रोलिंग में होगी या तो प्योर रोलिंग में होगी, तो प्योर रोलिंग के अंदर मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? प्योर रोलिंग में v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस में दो केस बनते हैं। पहला केस, आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी सेंटर ऑफ मास, और दूसरा केस, आर ओमेगा इज लेस देन वी सेंटर ऑफ मास। देखो या तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, या तो इक्वल होंगे, या वी सेंटर ऑफ मास छोटा होगा या फिर सेंटर ऑफ मास बड़ा होगा। अगर तो इक्वल होंगे फिर तो समझो कौन सा केस है, प्योर रोलिंग केस क्लोज, ये तुमने किया हुआ है। ठीक, इसके अंदर जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या ली जाती है, जीरो, ये भी किया हुआ है हमने। ये वाला केस कौन सा केस है, जो आर ओमेगा बड़ा है, घूमने की वेलोसिटी बड़ी है पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी छोटी है। आर ओमेगा बड़ा है, ये छोटा है। ये वही केस है जब आपका टायर मिट्टी में फंस जाता है, गाड़ी का टायर, आप रेस दे रहे हैं, आर ओमेगा बढ़ा रहे हैं, तो ओमेगा तो बहुत तेज है, आर ओमेगा तो टायर का बहुत तेज हो गया, पर सेंटर ऑफ मास आगे चल नहीं रहा, टायर फंस गया ना, तो गाड़ी का टायर हल्का हल्का आगे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कम है लेकिन आर ओमेगा बहुत बड़ा है। क्या पॉइंट क्लियर है? ऐसा कब होगा? तो हम इसको प्योर रोलिंग तो बोल नहीं सकते, तो ये इम्प्रॉपर रोलिंग है, ये प्रॉपर रोलिंग नहीं है, तो इसमें आर ओमेगा की वैल्यू बड़ी है, वी सेंटर ऑफ मास छोटा है। इमेजिन कर रहे हो केस। दूसरा केस, आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते क्या हुआ, आगे कोई सैंड है या कोई ऐसा जहां फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं है, आपकी बाइक स्लिप हो गई। जब स्लिप होगी आपने ब्रेक्स अप्लाई की, जब ब्रेक्स अप्लाई की प्रॉपर नहीं अप्लाई की, थोड़ी कम अप्लाई की, अब टायर स्लो हो गया, टायर स्लो घूम रहा है और स्किडिंग ज्यादा हो गई, टायर स्किड कर गया। स्किडिंग के अंदर क्या हो रहा है, टायर हल्का हल्का घूम भी रहा है, आर ओमेगा बहुत कम है लेकिन ट्रांसलेशन मोशन बहुत ज्यादा है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत तेज है, ये बहुत तेज है लेकिन आर ओमेगा की वैल्यू कम है, टायर स्लो घूम रहे लेकिन स्किडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो ये भी कोई प्योर रोलिंग का केस नहीं है। तो प्योर रोलिंग का एक ही केस है, जब आपकी गाड़ी बढ़िया सड़क पे चलती है, कोई स्किडिंग का केस नहीं होता, कहीं फंसी नहीं होती, तो वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है यहां तक? बताता हूं, यहां तक क्लियर है पहले। अब डिसाइड ये करना है कि जब हमने अभी डिस्कशन की प्योर रोलिंग में, तो ये वाला लोअर मोस्ट पॉइंट प्योर रोलिंग में कहां पे रहता है, रेस्ट पे, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करती है, स्टैटिक। काइनेटिक हो नहीं सकती, घिसट तो रहा ही नहीं रहा, स्लाइडिंग तो हो ही नहीं रही, तो इसमें ओनली स्टैटिक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ट्रांसलेशन मोशन इसको आगे लेके जा रहा है एंड आर ओमेगा वेलोसिटी इसको पीछे लेके जा रही है पार्टिकल को। अब अगर ये बराबर होती प्योर रोलिंग की तरह तो लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाती, जीरो, और अगर ये बराबर नहीं है तो आर ओमेगा इसमें बड़ा है और वी सेंटर ऑफ मास इसमें छोटा है। तो अगर आर ओमेगा बड़ा है तो ये वाला वेक्टर बड़ा है, ये वाला वेक्टर छोटा है, तो इस केस में ये पार्टिकल की मूव करने की टेंडेंसी कहां पर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, रेस्ट पे रहेगा नहीं, लेफ्ट जाएगा, और लेफ्ट जा रहा है तो ये घिसटता हुआ जाएगा, इमेजिन करें, तो एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर है लेकिन ये लेफ्ट की वेलोसिटी बड़ी है तो आपका पार्टिकल घिसटता हुआ जाएगा, तो यहां पर कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां पर होगी, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये वेलोसिटी बड़ी है ये छोटी है, तो पार्टिकल की टेंडेंसी लेफ्ट स्लाइड करने की है, लेफ्ट स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन राइट है और यहां पर स्टैटिक नहीं होगी, यहां पर काइनेटिक होगी। अब अगर बात करते हैं इस केस में ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, ये वी सेंटर ऑफ मास है और ये आर ओमेगा, अब इस केस में वी सेंटर ऑफ मास बड़ा है, स्लाइडिंग ज्यादा तेज हो रही है, तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो इसकी टेंडेंसी पार्टिकल की आगे जाने की है, तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगी, पीछे, और कौन सी, काइनेटिक, क्योंकि स्लाइड करती हुई बॉडी कहां जा रही है, आगे, तो फ्रिक्शन कहां होगी, पीछे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब बॉडी प्योर रोलिंग में नहीं है तो काइनेटिक है, और जब प्योर रोलिंग है तो काइनेटिक बिल्कुल भी नहीं है, स्टैटिक है। क्लियर है यहां तक? तो यही इसमें बताया गया है। ये देखो, पहला केस, V सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो अगर V सेंटर ऑफ मास बड़ा है आर ओमेगा से तो बॉडी की स्लिप करने की टेंडेंसी इस तरफ है तो फ्रिक्शन पीछे है, डिस्कस मैंने कर दिया ये सारा। और होगा क्या, ऐसा तब होगा, मान लो आपकी बॉडी स्किड कर गई, आपकी कोई बाइक है वो कच्चे रास्ते में उतर गई, ब्रेक सप्लाई करनी पड़ गई, स्किडिंग हो रही है, तो उस दौरान आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी और V सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन आर ओमेगा। हुआ क्या, स्किडिंग करते करते गाड़ी फिर पक्के रास्ते पे आ गई, हाईवे पे आ गई, अब प्योर रोल होता नहीं, हम गाड़ी में बैठ जाते कच्चे रास्ते पे, स्किड करती हुई जा रही है एकदम, फिर पक्की सड़क, फिर एकदम प्रॉपर रोल करती है, तो प्रॉपर रोल करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसी टाइम गायब हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर रोल करेगी तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा बराबर हो जाएंगे, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो उस केस में यहां की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो कौन से फ्रिक्शन रोल करेगी फिर से? स्टैटिक। समझ में आ रहा है? तो जब तक स्लाइडिंग हो रही है तब तक काइनेटिक, और जब प्योर रोलिंग हो गई तो स्टैटिक। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, इसमें यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस केस में क्या होगा, जब पक्के रास्ते पे आएगी तो ओमेगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, टायर प्रॉपर घूमेगा, प्रॉपर घूमेगा तो वी कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन उसी टाइम क्या हो जाएगी? जीरो। अब दूसरा केस है, अगर आर ओमेगा बड़ा है ना, गाड़ी मिट्टी में फंस गई, आर ओमेगा बड़ा है, तो अगर ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये रही ट्रांसलेशन की वेलोसिटी, और ये रोटेशन की वेलोसिटी, इसमें रोटेशन की वेलोसिटी बड़ी है तो ये वाला वेक्टर बड़ा है इससे, तो ये पॉइंट की टेंडेंसी मूव करने की, स्लाइड करने की लेफ्ट है, तो फ्रिक्शन कहाँ है? राइट। मिट्टी में गाड़ी फंसी हुई है और आप उसको जोर लगा रहे हैं तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले कर रही है? काइनेटिक। अब मिट्टी से गाड़ी निकल गई, निकलेगी भी तो, निकल गई गाड़ी प्रॉपर रोलिंग में आ गई, उसी टाइम काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। और कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? स्टैटिक। और वी किसके इक्वल हो जाएगा? आर ओमेगा। जब प्योर रोलिंग में आ गई, गाड़ी गड्ढे से निकल गई, प्योर रोलिंग के अंदर वी कैन अप्लाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये देखो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये थ्योरी समझ में आ रही है कि कब काइनेटिक और कब स्टैटिक। स्टैटिक का तो रूल ही बहुत क्लियर है, ओनली प्योर रोलिंग में स्टैटिक है, बाकी स्लाइडिंग जहां पर भी होगी, स्केडिंग जहां पर भी होगी वहां पर काइनेटिक है। क्लियर है यहां तक? ठीक। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोल करती हुई नीचे आ रही है तो आप उसकी एक्सेलरेशन निकालें, सेंटर ऑफ मास की क्या एक्सेलरेशन होगी? तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। याद है डेरिवेशन की थी हमने, और मैंने उस टाइम कहा था जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आती है तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी जरूरी है। अब हमने ये जो केस किया था और फॉर्मूला निकाला था सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का, ये फॉर्मूला प्रूव किया था, तो इसके अंदर ये बॉडी प्योर रोलिंग में नीचे आती है। हमने स्किडिंग का केस तो कभी किया ही नहीं, हमने तो सारे केसेस किसके किए हैं? प्योर रोलिंग के किए हैं, जहां पर वी कैन अप्लाई वी इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर ये प्योर रोलिंग का केस था तो यहां पर जो फ्रिक्शन मैंने यूज की थी उस टॉपिक में वो कौन सी थी? स्टैटिक, वो काइनेटिक नहीं थी। तो जब वो टॉपिक चला था तो मैंने सिर्फ एफ लिख दिया था, बस मैंने काइनेटिक लिखा ही नहीं था। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो एक्चुअल में जो फ्रिक्शन है वो उसकी नेचर क्या थी? स्टैटिक। अब मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं वो काइनेटिक क्यों नहीं थी, क्योंकि वो केस प्योर रोलिंग का केस था। क्लियर है यहां तक? सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूं, करना कुछ नहीं है इसमें आपने। ठीक। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन टायर्स ऑफ अ बाइसाइकिल। एक साइकिल चला रहे हो, पेडल मार रहे हो, दोनों टायर आगे चल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? आंसर पता है क्या है? इसमें आगे, इसमें पीछे। कैसे? ये कैसे हो सकता है? टायर तो एक जैसे घूम रहे हैं तो फ्रिक्शन कैसे आगे पीछे हो गई? सोच लें। इसमें इमेजिन करो कि आप साइकिल पे बैठे हैं, पेडल मार रहे हैं, जब आप पेडल मार रहे हैं तो आप टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, टायर को घुमा रहे हैं, और कौन सा टायर घूमता है? पीछे वाला। आगे वाला तो फ्री फंड में ऐसे ही बस बैठा है, वो तो हैंडल की सपोर्ट के लिए है, उसमें चेन तो ना लगी हुई है, चेन तो पीछे चलती है, तो चेन तो, ये चेन तो पीछे लगी हुई है ना पेडल के साथ, आगे तो कुछ कर ही नहीं रहा वो टायर, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो आपने पेडल मारा आगे, टायर घुमा ऐसे, जब ये टायर ऐसे घूमा तो ये पार्टिकल की टेंडेंसी कहां जाने की है? राइट, है ना, ऐसे घूम रहा है ना। तो जब ये पार्टिकल, इसका लोअर मोस्ट पार्टिकल कहां जाएगा? मान लो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां करेगी? आगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर है? पार्टिकल पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे, डन। और यहां पर जोर किसने लगाया? आपने लगाया पेडल लगा के।
इमेजिन करें ये शेप सर्कल नहीं है, मान लो साइकिल, नई टाइप की साइकिल निकालने जा रहा हूं, जहां आगे टायर ना लगाता हुआ एक बॉक्स लगाता हूं, गत्ते का बॉक्स, मेरी मर्जी, मैंने साइकिल ऐसे डिजाइन की, गत्ते का बॉक्स बना दिया, बस नहीं घूमता ना घूमे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, आप पीछे जोर लगा रहे हो, आपका पिछला टायर तो घूमेगा ही घूमेगा, पिछला टायर आपने पैडल से घुमा दिया, और ये भी क्यों लगाया, क्योंकि हैंडल कहाँ रखूंगा, हवा में हैंडल कैसे लेके जाऊंगा, तो हैंडल के लिए सपोर्ट तो चाहिए, तो गत्ते का बॉक्स लगा दिया। अब बॉक्स कह रहे हैं ठीक है मेरा कोई काम तो है नहीं, आप पीछे जोर लगाओ, पीछे का जोर आगे ट्रांसफर होगा, तो जैसे वो आगे धक्का लगेगा तो स्लाइड करता हुआ बॉक्स आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, पीछे, क्योंकि उसका काम सिर्फ स्लाइडिंग का काम है, उस पर हमने ना तो कोई टॉर्क लगाया ना हमने कोई फोर्स लगाई, वो तो बैठा हुआ था ऐसा ही है। तो किसी ने सजेशन दिया सर साइकिल ऐसे अच्छे से मूव नहीं करेगी, आप सर्कल ले लो, आप इसका टायर ही ले लो, करना तो वही काम है जो गत्ते के बॉक्स ने किया, पर यहां पर आप एक टायर ले लो, उससे क्या होगा, कहता टायर के ऊपर हैंडल रख लो, रख लिया, तो असली चीज तो पीछे लग रही है, जोर तो पीछे लग रहा है, ये तो बस स्लाइड करने की, हम इसको क्या करवा रहे थे, स्लाइड करवा रहे, वो अलग बात है, इसकी शेप ऐसी है कि इसे घूमना शुरू कर दिया, अदरवाइज इसमें कोई जोर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, ये तो बस बैठा है, पीछे से जोर आ रहा है और इसको आगे पुश किया जा रहा है, तो ये जब आगे पुश होगा तो फ्रिक्शन कहां करेगी, पीछे, क्योंकि इसका काम टॉर्क जनरेट करने का नहीं है, इसका काम एक्सेलेरेशन जनरेट करने का नहीं है, इसका काम सिर्फ स्लाइडिंग का काम है, इसको सिर्फ स्लाइड करवा रहे हैं। अगर आपका कोई यहां पर कोई चीज मान लो फंस भी गई, कई बार कोई कपड़ा फंस गया, कुछ हो गया, टायर घूमना बंद हो जाता है, तो कोई बात नहीं, घिसटता हुआ जाएगा आगे का टायर और फ्रिक्शन ऐड करेगी पीछे। यहां पर रूल अलग है, क्योंकि यहां पर मैं पेडल से क्या लगा रहा हूं, एक्सेलेरेशन जनरेट करवा रहा हूं, तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन में क्या रहती है, ऑपोजिट रहती है। आता नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव स्कूल के लिए कुछ नहीं है। आप टॉर्क से एक्सप्लेन करता हूं, फ्रिक्शन पीछे है तो सोचो अगर फ्रिक्शन पीछे है तो टॉर्क क्लॉकवाइज है, ऐसे बोलो, ओके, तो आगे घूमेगा, राइट, ऐसे बोल सकते हो कि फ्रिक्शन पीछे है, आप स्लाइड करवा रहे हो और वो गोल गोल घूमना शुरू आगे हो गया, डन, ऐसे सही है, ठीक है यहां तक। तो अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आंसर दिया जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं रोलिंग के, प्योर रोलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं।